तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि आज आपका रीजनिंग का सीट टू डिस्कशन कराने वाले हैं। उसमें आपका 15 बेहतरीन सवाल हैं आपके। ठीक है, उसमें आपका क्वेश्चन जो है, जिन लोगों के पास आपका क्वेश्चंस नहीं होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चंस का PDF। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ऐसे आइए अभी डिस्कशन करते हैं सारे क्वेश्चंस का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है आपका, टोटली न्यू पैटर्न है आपका। ठीक है, क्वेश्चंस में आपका दिया गया है कि अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट आपका ए से एम तक को 0 से 9 तक में कोडिंग किया गया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट ए से लेकर एम तक को 0 से 9 तक में कोडिंग किया गया है, एक्सेप्ट फॉर द वॉवेल्स, मतलब आपके वॉवेल्स को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि ये जो है आपका अल्फ़ाबेट ए से लेकर एम तक, हम लोग जानते हैं कि आपका ये फर्स्ट हाफ कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट हाफ आपका कहलाता है। ठीक है, और एन से लेके जेड तक हम लोग जानते हैं कि आपका सेकेंड हाफ कहलाता है, मतलब आपका इसमें भी 13 लेटर और इसमें भी आपका कितना 13 लेटर हो जाएगा। तो ए से लेकर एम तक का आपका जो भी आपका अल्फ़ाबेट लेटर है उसको क्या किया गया है, 0 से 9 तक में कवर किया गया है, और यहाँ भी आपका 0 से 9 तक वाले में आपका कोडिंग किया गया है। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि वो भी आपका वॉवेल को छोड़कर। ठीक है, तो वॉवेल को छोड़कर तो हम लोग देखेंगे क्या कि ए से लेकर एम तक के बीच में कितना वॉवेल आता है। तो पहला तो वॉवेल आपका ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, और कहाँ आ जाएगा, आई आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका 3 वॉवेल है, और यहाँ वाले में आपका ओ आ जाएगा, और एक आपका क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, 2 वॉवेल है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ टोटल आपका ए से लेके एम तक 13 लेटर है, और कोडिंग उनको करना है 10 लेटर का, मतलब आपका 3 वॉवेल को छोड़ देना है। ठीक है, तो आपका 3 वॉवेल को क्या करना है, छोड़ देना है। दूसरा क्या है कि आपका एन से लेके जेड तक में भी आपका 13 लेटर है, और वॉवेल कितने हैं आपका 2 है, और कोडिंग करना है 0 से लेके 9 तक में, मतलब यहाँ भी आपका टोटल 10 का कोडिंग करना है, वॉवेल 2 है तो हमको तो 11 चाहिए। तो जहाँ पे आपका 0 से लेके 9 तक खत्म हो जाए, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक बॉक्स बना लेते हैं, और बॉक्स में आपका ए से लेके जेड तक का सिक्वेंस लिखते हैं, और उसका कोडिंग हम लोग क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे कर लेंगे। चलिए, उससे पहले एक और बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें, इस क्वेश्चंस में क्या है कि आपका ए से लेकर एम तक का कोडिंग करना ही है आपका। ठीक है, वो आपका एन से लेकर जेड तक का कोडिंग करना ही है आपका। ठीक है, एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, वॉवेल को छोड़कर, या तो फर्स्ट हाफ में या तो फिर आपका सेकेंड हाफ में। उसके बाद इस क्वेश्चंस में आपका कुछ कंडीशंस दिया है, उस कंडीशंस को फॉलो करके हम लोग को आगे का क्वेश्चंस क्या करना है, बनाना है। तो क्वेश्चंस में आपका कंडीशंस क्या दिया गया है कि इफ़ द वर्ड बीन्स एंड एंड्स विथ ए वॉवेल, मतलब आपका कोई भी वर्ड जो है वो आपका वॉवेल से स्टार्ट होता है और आपका ख़त्म भी वॉवेल पे होता है, तो वैसे वॉवेल्स का हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग जो होगा वो 1 लेटर पीछे से हम लोग कर देंगे। जैसे मान लो कि कोई भी आपका ए से स्टार्ट होता है और यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट होता है, और वॉवेल पे ही जाके कोई भी आपका वर्ड ख़त्म हो जाता है, तो इसका जो कोडिंग होगा उसके ठीक पीछे वाले लेटर से हो जाएगा। मान लो यहाँ ए रहेगा तो जेड से हो जाएगा, यहाँ पे आई रहेगा यहाँ पे एच से हो जाएगा, मतलब जो भी आपका प्रीवियस लेटर रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस में आपका दूसरा क्या लिखा है कंडीशंस में, इफ द वर्ड बीइंग्स विद अ वॉवेल एंड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, है ना, नंबर इन दैट वर्ड विल बी चेंज टू ट्वाइस दैट ऑफ द ओरिजिनल कोड, मतलब आपका लिखा है कि ऐसा कोई भी आपका वर्ड जो आपका वॉवेल से स्टार्ट होता हो और फिर आपका कॉन्सोनेंट से खत्म होता हो, ठीक है, तो आपका वॉवेल से स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट से आपका क्या होता हो, खत्म होता हो, तो वैसे जो भी आपका लेटर होगा उसका जो भी कोड होगा उसका क्या करेंगे, हम लोग ट्वाइस कर देंगे, मतलब 2 गुना कर देंगे। ठीक है, उसका हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग उसका नंबर जो भी उसका कोड आएगा उसका हम लोग क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला जो कंडीशन हो गया वो भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। थर्ड वाला क्या है आपका, इफ़ द वर्ड हैज़ मोर देन 3 वॉवेल्स, अगर आपका कोई वर्ड है उसमें आपका 3 से ज़्यादा वॉवेल्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद लिखा है ब्रैकेट में लिखा है कि नॉट नेसेसरी डिफरेंट, मतलब वो ज़रूरी नहीं कि डिफरेंट हो, वो ज़रूरी नहीं कि सेम हो, वो सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो 3 से ज़्यादा वॉवेल अगर किसी भी आपके वर्ड में है तो सारे वॉवेल्स का कोडिंग क्या हो जाएगा आपका,
कोडिंग आपका हो जाए क्वेश्चन मार्क से करेंगे, सारे वॉवल्स का कोडिंग हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क से कर लेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा वाला कंडीशन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फोर्थ वाला कंडीशन क्या है, इफ़ टू सेम वॉवल एंड और कॉन्सोनेंट फॉलो ईच अदर, मतलब क्या लिखा है कि अगर दो आपका सेम वॉवल, मतलब आपका सेम कहने का मतलब एक जैसा डबल ई हो गया, उसके बाद आपका डबल आई हो गया, डबल ए हो गया, डबल ओ हो गया, है ना, डबल यू हो गया आपका, कोई भी सेम वॉवल या फिर सेम कॉन्सोनेंट, जैसे आपका डबल एफ हो गया, डबल पी हो गया, तो सेम कॉन्सोनेंट होना चाहिए और दोनों एक साथ होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सेम वॉवल या सेम कॉन्सोनेंट दो साथ में रहे तो हम लोग क्या करेंगे उसका कोडिंग जो होगा वो क्या करेंगे एट द रेट से कर देंगे, ठीक है। तो पहला भी कंडीशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, दूसरा भी कंडीशन समझ में आ गया होगा, तीसरा वाला और ये चौथा वाला कंडीशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका चार कंडीशन है जिसपे आपका क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पहले बॉक्स बनाएंगे कि आपका जो भी वॉवल होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वॉवल का जो भी आपका कोड होगा, तो यहाँ हम लोग एक सीक्वेंस बनाते हैं ए बी सी डी लिख के, तो सारा का कोड हम लोग क्या करेंगे नीचे की ओर लिखेंगे, ठीक है। तो सारा का कोड हम लोग लिखेंगे। अभी क्वेश्चंस में थोड़ी देर पहले बोला था क्या कि ए से लेके एम तक का जो भी आपका सीक्वेंस रहेगा वॉवल को छोड़ के उसको क्या करना है 0 से 9 के सीक्वेंस में कोड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे वॉवल को छोड़ के, तो ये तो आपका वॉवल हो गया, तो ए को क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे, कोड यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से 1 2 और फिर आपका ई जो है वॉवल आ रहा है इसको भी छोड़ देंगे, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर से आपका आई वॉवल आ रहा है इसको भी छोड़ देंगे, तो 6 आएगा, 7 आएगा, 8 और 9 आएगा। तो आपका 0 से लेके 9 तक का सीक्वेंस पूरा हो गया, ठीक है, आपका वॉवल को छोड़ के फर्स्ट हाफ वाले में जहाँ से आपका ए से लेके एम तक आपका लेटर इंक्लूड किया रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, यहाँ हम लोग आते हैं, यहाँ एन आपका वॉवल नहीं है तो आपका यहाँ 0 होगा, ओ आपका वॉवल है तो उसका कोडिंग अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, पी का 1 2 3 4 5 और 6 पे आपका यू आ गया तो इसका भी क्या होने वाला आपका अभी कोडिंग नहीं करेंगे, 6 7 8 9 और 9 पे ख़त्म। तो अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि 9 के बाद हम लोग क्या करेंगे 0 से कोडिंग कर देंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में चलेगा 0 से 9 0 से 9 0 से 9, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब देखना क्या है कि यहाँ पे अब जो मेरा अल्फ़ाबेट है उसका हम लोग कोड कैसे निकालेंगे, तो उसका कोड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, एग्जांपल दिया है उसी से हम लोग को निकालना। एग्जांपल आपका क्या है, यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल में वर्चुअल, वर्चुअल ओथ्स लिखा है, इसका कोडिंग किया आपका परसेंटेज, इसका कोडिंग किया परसेंटेज हैज 5 5, ठीक है, 5 5 किया है आपका। तो आपका क्या किया है यहाँ पे 5 5 किया है और फिर क्या किया है एक मिनट, फिर आपका 5 5 किया है, फिर आपका 4 किया है, फिर आपका 6 किया है, फिर आपका डॉलर किया है, फिर आपका 3 5 एंड किया है, ये हैज है और ये क्या है आपका 8 लिखा गया है। ठीक है 8 लिखा गया। दूसरा वाला क्या दूसरा वाला आपका क्या लिखा है, इम्पिटी कैन, इम्पिटी लिखा है, ई एम पी टी वाई, इम्पिटी कैन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है इसका, 1 has 0 star 9 1 5 9 लिखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि एक हम लोग एक बेस्ड पढ़े होंगे आपका, एक टाइप दिया गया था कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले में, कोडिंग बेस्ड करके दिया गया था, कोडिंग बेस्ड आपका नंबर आता है ना, कोडिंग बेस्ड करके दिया गया कि आपको उसमें का जो भी आपका लेटर मिलेगा
या फिर आपका वर्ड मिलेगा उसका कोड हम लोग को अलग अलग ढूंढना पड़ता था। अगर सिंगल वर्ड है तो सिंगल कोड, डबल वर्ड है तो डबल कोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बस उसी तरीके से ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 फाइव सिंबल है, हमको फाइव मेरा अल्फाबेट का वॉवेल भी है, तो जितना मेरा अल्फाबेट का वॉवेल है उतना ही मेरा सिंबल है। बस हमको ढूंढना है कैसे क्या करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आपका ए है ना, और यहाँ भी आपका ए है, मतलब ए आपका यहाँ है, ए आपका यहाँ, दोनों जगह ए है। देखो एक आपका ए यहाँ भी है, तो आपका तीन जगह ए हो रहा है, पहला यहाँ, दूसरा और तीसरा यहाँ पे हो रहा है। हमको देखना क्या है कि मेरा जितना ए होगा उतना आपका हैज भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे यहाँ भी हैज है, यहाँ भी हैज है, और यहाँ भी आपका क्या हैज शो कर रहा है, मतलब आपका दोनों जगह ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा कॉमन है, तो मेरा ए का कोड क्या हो जाएगा आपका हैज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे कि आपका जैसे हम लोग सिंबल बेस्ट पढ़े होंगे, वन का कोडिंग वन वाले से, टू का कोडिंग टू वाले से, ठीक है, थ्री का कोडिंग थ्री वाले से, मतलब सिमिलर रहता है, सेम सेम कंडीशन है। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और कंडीशन जान लीजिए कि नीचे लिखा है नोट में कि द कोड्स आर रिटन राइट टू लेफ्ट, मतलब कोड जो है आपका, जो आपका लेटर दिया गया, जो आपका वर्ड्स दिया गया, उसका जो कोड होगा वो राइट से लेकर लेफ्ट में लिखा जाएगा, ना कि लेफ्ट से राइट में आपका लिखा जाएगा, मतलब आपका दाएँ से लेकर बाएँ में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, ए का तो कोड हमको मिल गया बड़ा आसानी से। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ आपका तीन लेटर है, ये सेकंड वाले में आ रहा है, ये आपका फर्स्ट लेटर है, ये आपका फर्स्ट है आपका, तो फर्स्ट वाले में आ रहा है, ये भी आपका फर्स्ट है, और ये आपका क्या है सेकंड है, तो ये थर्ड जो है आपका तीन लेटर का जो आपका वर्ड है कैर, उसका कोडिंग यहाँ किया गया है, बाद बाकी का कोडिंग क्या किया गया है यहाँ पे किया गया है, फिर आपका ये सेकंड वाला है इसका कोडिंग आपका यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे किया गया है, और ये आपका वर्चुअल का कोडिंग जो है आपका यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए तो उसी के हिसाब से देखेंगे कि बीच में आपका सी ए एन कैन है, तो बीच में जो आपका ए आ रहा है तो ए वाला कोड भी आपका बीच में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ओ के ठीक बाद ए है, तो यहाँ ओ के ठीक बाद क्या हो जाएगा ए, तो इसका भी कोड हैज आ रहा है। ठीक है, एल के ठीक पहले ए है, तो यहाँ एल के ठीक पहले का कोडिंग भी हैज आ रहा है, तो कन्फर्म है कि जो भी आपका कोडिंग किया गया वो राइट से क्या किया गया, लेफ्ट की ओर कोडिंग किया गया। ठीक है, चलिए अब हम आसानी से ढूंढ सकते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। अब वी आई लिखा गया है, ठीक है, तो वी आई लिखा गया, तो वी आई का कोडिंग वी यहाँ पे होगा और आई यहाँ पे, इसका कोडिंग हो जाएगा डॉलर। ठीक है, उसके बाद आपका ओ का बच रहा है, तो ओ देखो ओ ए टी एच एस ओथ्स है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे ए का कोडिंग हैज हो रहा था, और आपका ओ का कोडिंग क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर आपका यू का कोडिंग उसी प्रकार से होगा, बी आई आर टी यू ए एल, तो बी यहाँ पे देखेंगे हम लोग बी आई आर टी यू यू, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड आ जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग हो गया आपका, ये कंफर्म कोडिंग हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या है कि ये समझ गए होंगे, अब हम लोग क्वेश्चंस आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या लिखा गया यहाँ पे कि द कोड्स आर रिटेन, ये तो हो चुका है ना। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के लिए आपका कौन सा आपका कोड होने वाला है। तो हम लोग को मतलब जो है वो सिर्फ ऊपर वाले बॉक्स है, नीचे वाले का तो कोडिंग हम लोग फाइनल कर ही लिए हैं। ठीक है, तो फाइनल जैसे ही हम लोग कर लिए हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला क्वेश्चन आएंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन का बोला कि यहाँ ग्रेजुएशन का क्या कोडिंग होगा, ग्रेजुएशन का क्या कोडिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ एक ही आपका वर्ड है, तो या तो लेफ्ट से राइट वर्ड या राइट से लेफ्ट, दोनों के बाद बराबर ही होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग कोडिंग यहाँ पे ढूंढेंगे। तो जी का कोडिंग देखिए यहाँ पे क्या है आपका, जी का कोडिंग आपका 4 है। ठीक है, 4 है। अब थोड़ा कंडीशंस हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ कंडीशंस पहला क्या बोला है कि कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से स्टार्ट हो, वॉवेल से ख़त्म हो, नहीं, पहला वाला कंडीशन बिल्कुल गलत, वॉवेल से नहीं स्टार्ट है, वॉवेल से नहीं खत्म। दूसरा क्या बोल रहा है आपका कि कोई भी आपका वर्ड जो है वो आपका वॉवेल से स्टार्ट हो और आपका कॉन्सोनेंट से क्या हो, खत्म हो। तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, नहीं कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, ये भी नहीं होने वाला है आपका। थर्ड वाला क्या बोला आपका कि इफ द, है ना,
इफ द वर्ड हैज मोर देन थ्री वॉवेल, इफ द वर्ड हैज क्या है मोर देन थ्री वॉवेल, मतलब आपका वर्ड जो है एक वर्ड में आपका तीन से ज्यादा वॉवेल होता है तो जरूरी नहीं है कि वॉवेल आपका सेम ही हो, अलग भी हो सकता है। तो सारे वॉवेल का कोडिंग क्या हो जाएगा, थोड़ी देर पहले हम लोग थर्ड वाले कंडीशन में पढ़े थे, तो सारे वॉवेल का कोडिंग क्या हो जाएगा मेरा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वॉवेल काउंट कर लेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पे एक वॉवेल, दो वॉवेल, तीन वॉवेल, चार और ये पांच वॉवेल, मतलब आपका कितना वॉवेल हो गया मोर देन थ्री, मतलब कंफर्म है कि थर्ड वाला जो आपका कौन से ये है आपका कंडीशन है उससे मेरा मिशन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो गया। चलिए जितना भी आपका वॉवेल है सब पे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब पे हम इसका कोडिंग कर देते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क से कोडिंग यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, आपका कोडिंग कर दिया, फिर आपका देखना आर का कोड क्या है अकॉर्डिंग टू दैट बॉक्स। ठीक है, तो ये आर का कोडिंग आपका थ्री है, आर का कोडिंग आपका क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, डी वाले का कोडिंग आपका क्या होगा, डी वाले का कोडिंग आपका हो जाएगा टू हो जाएगा, और आपका टी का कोडिंग हो जाएगा फाइव अकॉर्डिंग टू बॉक्स, और एन का आपका कोडिंग हो जाएगा जीरो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। देखिए मैच कीजिए, ये वाला आपका ऑप्शन फोर वाले में मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए हम, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द डिजिट कोड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द डिजिट कोड ऑफ ब्राउन ब्रेड एंड ब्लैक कॉफी। ठीक है, बोला क्या यहाँ पे कि दो आपका लेटर है, पहला क्या है आपका ब्राउन, बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड है, और आपका दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा ब्लैक कॉफी, बी एल ए सी के, ब्लैक, ब्लैक कॉफी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ब्लैक कॉफी हो गया। चलिए तो बोला क्या कि दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ बोला क्या कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल डिजिट कोड ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ब्रेड एंड ब्लैक कॉफी, मतलब ये दोनों का जो आपका जोड़ के, इस दोनों का डिजिट का सम जोड़ के दोनों का डिफरेंस हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोग को डिफरेंस बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले, कुछ देर पहले आपको नोट में हम ऊपर बता चुके थे कि द कोड आर रिटेन राइट टू लेफ्ट, मतलब कोड जो होगा वो आपका कहाँ से कहाँ, राइट से लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट, लेफ्ट का राइट में और राइट का आपका लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट ही में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कोड देखेंगे क्या कि कोड आपका क्या हो रहा है। तो ये देखो ब्रेड का कोड हमको पहले ढूंढ रहा है, तो ब्रेड का बी का कोड क्या है जीरो। ठीक है, आर का कोड क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा, ई का कोड क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका ए का कोड क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा आपका, फिर आपका डी का कोड क्या हो जाएगा, देखो जरा डी का कोड आपका हो जाएगा दो, कंफर्म। ठीक है, अब क्या करेंगे ब्राउन वाले का हम लोग कोड यहाँ लिखना, ब्राउन वाले का कोड जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो बी का कोड फिर से आपका जीरो, आर का कोड आपका फिर से थ्री, ओ का कोड आपका हो जाएगा, ओ का कोड आपका हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, फिर आपका क्या है डब्ल्यू का कोड हो जाएगा आपका सेवन, और एन का कोड हो जाएगा आपका जीरो। तो ये हो गया आपका, दूसरा क्या है कि इसका हम लोग कोडिंग करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग कोडिंग करेंगे तो पहले कॉफ़ी का ढूंढेगा ना, कॉफ़ी वाले में देखना क्या है, यहाँ एक कंडीशन से आपका क्या लिखा था कॉफ़ी वाले में कि इफ द फोर नंबर कंडीशन है कि इफ़ द सेम वॉवेल और कॉन्सोनेंट फॉलो ईच अदर देन दे आर कोडेड एज एट द रेट, मतलब आपका दो वॉवेल या दो कॉन्सोनेंट जो है आपका अगर सेम एक दूसरे को फॉलो करता है, फॉलो ईच अदर, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे आपका कि दोनों का कोडिंग क्या हो जाएगा आपका एट द रेट से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि आपका दो आपका कॉन्सोनेंट है और दो आपका क्या है यहाँ पे वॉवेल दिया गया, दोनों का कोडिंग एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट, मतलब चार बार एट द रेट हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब हम लोग सी का कोड देख लेते हैं, सी का कोड आपका क्या हो जाएगा, देखो सी का कोड आपका हो जाएगा वन, सी का कोड वन हो जाएगा, ओ का कोड आपका क्या हो जाएगा यहाँ से देखो परसेंटेज,
ठीक है, बाद बाकी एट द रेट चार बार एट द रेट लिखना पड़ेगा हम लोग को। अब हम लोग ब्लैक का कोडिंग करेंगे, ये ना तो फर्स्ट वाले कंडीशन के हिसाब से फॉलो हो रहा है क्योंकि ना ये वॉवल से स्टार्ट है ना ये वॉवल पे इन है, दूसरा वाला कंडीशन ना ये वॉवल से स्टार्ट है ना ये कॉन्सोनेंट पे इन है, तीसरा वाला कंडीशन क्या है यहाँ पे कि इसमें मोर देन थ्री आपका वॉवल नहीं है, चौथा वाला कंडीशन क्या है जिसमें दो आपका कॉन्सोनेंट या फिर दो आपका वॉवल भी अवेलेबल नहीं है, मतलब किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट बॉक्स हम लोग इसका कोडिंग मेंशन यहाँ पे कोड मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो बी का कोड यहाँ पे देखेंगे, बी का कोड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर आपका एल का कोड एट हो जाएगा, ए का कोड हैज हो जाएगा, सी का कोड आपका कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, और के का कोड क्या हो जाएगा आपका सेवन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है इस दोनों का सम निकालना है, इस दोनों का सम निकालना है और इस दोनों को क्या करना है दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस दोनों का सम निकालेंगे 3, 2, 5 ओके, यहाँ पे 7, 2 कितना हो जाएगा, ठीक है दोनों को जोड़ कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ 1 हो गया, ठीक है यहाँ 1 और प्लस 7, 1, 8, 8, 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है सॉरी यहाँ 15 होगा, 10 + 5 = 15 होता है ना, चलिए और यहाँ 16 और ये 1 हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस जैसे ही निकालना था तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस यहाँ 17 - 15 बराबर डिफरेंस क्या आ जाएगा 2, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा एक बार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाना चाहिए बी, बी में आपका डिफरेंस दोनों का दिया गया है तो आपका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको डिलीट किया जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला क्या जो व्हाट विल बी द कोड फॉर हैप्पी जर्नी, आपका हैप्पी जर्नी का कोड क्या होगा, व्हाट विल बी द कोड फॉर क्या हो जाएगा आपका हैप्पी जर्नी, यहां लिखेंगे हम लोग हैप्पी और यहां लिखेंगे जे यू जे, क्या लिखा है यहां पे हैप्पी जर्नी पूछा ना जे यू एन ई वाई, ठीक है हैप्पी जर्नी लिखा है, हम लोग क्या करेंगे फिर से राइट से लेफ्ट में कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कोडिंग देखेंगे यहाँ पे, तो कोडिंग इसका क्या होने वाला है ये हम ज़रा देख लें। ठीक है, तो जे का कोडिंग क्या हो जाएगा, देखो जे का कोडिंग हो जाएगा 6, ओ का कोडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है यू का कोडिंग क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, ठीक है फिर आपका R का कोडिंग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, N का कोडिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, E का कोड क्या हो जाएगा आपका स्टार हो जाएगा, और 9 आपका Y का कोड हो जाएगा। ठीक है, 9 आपका किसका कोड हो जाएगा Y का। अब हम लोग हैप्पी वाले को देखेंगे, यहाँ हैप्पी लिखा है, हैप्पी वाले का भी कोडिंग करना पड़ेगा इस साइड क्योंकि राइट टू लेफ्ट आना था, तो लेफ्ट वाला आप राइट में और राइट वाला अब आपके लेफ्ट में आएगा। ठीक है, तो आपका हैप्पी यहाँ पे लिखना था, तो हैप्पी का देखिए क्या करना है, हैप्पी वाले में H का कोडिंग क्या देखो H का आपका 5 हो जाएगा, एच का आपका 5, ए का आपका क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा, पी का आपका क्या हो जाएगा देखो पी का आपका हो जाएगा 1, ठीक है और पी का आपका 1 और यहाँ भी 1, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये 1-1 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फॉलो कर रहा है क्या कि ऑन क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा है कंडीशन था ना यहाँ पे इफ द सेम टू वॉवेल्स आर फॉलो ईच अदर या सेम टू कंसोनेंट आर फॉलो ईच अदर, कोडिंग उसका क्या होना चाहिए यहाँ पे @ होना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा मेरा @ होगा। ठीक है, @ हो जाएगा और वाई का कोडिंग आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम जोड़ दें एक साथ लिखें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 देखिए मैच हो रहा है, और कैंसिल कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए इसको डिलीट किया जाए, अब क्वेश्चन आपका क्या है नेक्स्ट वाला लिखा है क्या कि 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब इसमें सबके आपका नाम दिया गया, सबका नाम दिया गया आपका इसमें। ठीक है, वेयर सिटेड इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग द नॉर्थ, मतलब आपका एक स्ट्रेट रो पे बैठे हैं आपका फेसिंग नॉर्थ करके। ठीक है, लिखा है क्या कि द रो हैड सर्टेन नंबर ऑफ चेयर आउट ऑफ विच फ्यू वेयर वैकेंट, मतलब एक निश्चित आपका चेयर है रो में जिसमें से कुछ आपका चेयर जो है वो वैकेंट है खाली है। ठीक है, ऑल द रेस्ट वेयर टेकन बाय दिस पर्सन, मतलब जितने भी आपका खाली के बावजूद जो आपका चेयर बचा हुआ है वो आपका क्या है उन सभी पे ये लोग बैठे हुए हैं।
जितने लोगों का नाम दिया गया 7 लोगों का नाम दिया गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कभी भी एग्जाम्स पे ये गलती ना करें कि जो भी आप क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन अगर बना रहे हो तो 7 लोग का दिया गया तो 7 पहले लकीर खींच के बना ले, है ना। ऐसे करके कभी भी क्वेश्चन 7 लोग ना बनाना, ऐसे बनाओगे तो हमेशा गलत हो जाएगा और ये कभी सही होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब क्या है कि क्वेश्चंस बनाएंगे कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जैसे जैसे आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन को हम लोग कॉमन टर्म से जोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे मेरा क्वेश्चंस क्या होगा बनते जाएगा, और सिर्फ एक ही बार में क्वेश्चंस मेरा क्या होना चाहिए बनना चाहिए और बन भी जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते क्या है कि आपका क्वेश्चंस में इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया, लिखा गया है क्या एफ वाज सेकंड फ्रॉम इधर ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब आपका एफ जो है वो आपका किसी भी एंड से दूसरे प्लेस पे बैठा हुआ है, तो हमको दो पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा, कन्फर्म है ये, यहाँ पे एक आपका यहाँ लेते हैं और एक आपका यहाँ पॉसिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लेते हैं, यहाँ एक दो यहाँ पे एक एफ ले लिए, सबका फेस आपका नॉर्थ की ओर है, और एक आपका क्या किए यहाँ पे आपका एफ ले लिए, सबका फेस आपका नॉर्थ की ओर, हम दो फिगर ले रहे हैं, ठीक है, दो फिगर ले रहे हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ना लें, टाइम भी वेस्ट होता है, जितना श्योर शॉट इन्फॉर्मेशन है सबको हम लोग क्या करेंगे इस पर बिठाते जाएंगे, मेरा बनता चला जाएगा। फिर क्या लिखा है, बी वाज सीटेड एट द गैप ऑफ टू सीट फ्रॉम एफ, मतलब बी जो है वो एफ से 2 सीट गैप करके बैठा हुआ है, तो 2 सीट गैप करके बैठेगा तो कभी भी इधर नहीं जाने वाला है कन्फर्म, ठीक है, जब भी जाएगा तो इधर ही जाएगा, तो ये 2 गैप करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी यहाँ बैठ जाएगा कन्फर्म, ठीक है। और यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी आपका 2 लोग गैप करेगा और ये आपका क्या हो जाएगा डी आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डी एंड ई वेयर सीटेड एट द गैप ऑफ 3 सीट, मतलब डी और ई जो है आपका 3 सीट के गैप पे बैठा हुआ है, डी और ई जो है आपका वो क्या है 3 सीट के गैप पे बैठा हुआ है, तो कन्फर्म है 1, 2, 3, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, मतलब ये मेरा कन्फर्म है कि ई यहाँ बैठ सकता है, इधर भी हो सकता है लेकिन ये थोड़ा वैकेंट चेयर है आपका इसलिए इधर लेंगे तो और ज़्यादा मेरा पॉसिबिलिटी बढ़ेगा, तो पहला मेरा कन्फर्म सीट था वो हम यहाँ पे फिक्स कर लिए, इधर भी मेरा कन्फर्म सीट है यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे एक आपका सीट आपका फिक्स कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आपका क्या लिखा है कि सी वा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, अब देखो कि ना तो इसमें सी का चर्चा है ना ही आपका जी का चर्चा है, तो हम एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बनाकर अलग लिखेंगे कि सी वा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्या हो जाएगा जी, ये मेरा छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मिल गया जो मेरा इस दोनों फिगर से कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि बी एंड ए वेयर सीटेड अप एट ए गैप ऑफ 3 सीट, मतलब बी और ए जो है आपका वो 3 सीट के गैप पे बैठा हुआ है, मतलब कंफर्म है कि आपका ए और बी दोनों आपका लेफ्ट और राइट में हो सकता है लेकिन जब भी बैठेगा वो 3 सीट के गैप में ही बैठने वाला है कंफर्म, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में क्या आपका कि ए वाज नेवरिंग जी बट बी हैड नो नेवर्स, मतलब ए जो है वो आपका जी का इमीडिएट नेवर है, जी का इमीडिएट नेवर है लेकिन आपका बी का कोई भी नेवर नहीं है, तो बी का कोई भी नेवर नहीं होगा, बी का कोई भी नेवर नहीं होगा और आपका ए और जी जो है वो आपका इमीडिएट नेवर है, मतलब दोनों आपका साथ में अगल बगल बैठा है या तो लेफ्ट में या तो फिर आपका राइट में बैठ रहा है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है कि नंबर ऑफ चेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर टू द राइट ऑफ बी, मतलब आपका जितना भी नंबर ऑफ चेयर है वो ए के लेफ्ट में और जितना भी नंबर ऑफ चेयर है आपके डी के राइट में दोनों का नंबर क्या है वो बराबर है, मतलब ए का लेफ्ट और डी का राइट में जितना नंबर ऑफ चेयर है आपका दोनों का नंबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है ये तो हम लोग याद कर लेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा गया है क्या कि ए वाज सीटेड समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब ए जो है कहीं ना कहीं डी के बाएं में बैठा हुआ है, मतलब ये कन्फर्म हो गया यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया कि ए जो है वो कहीं ना कहीं डी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, राइट में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका स्टेटमेंट बताया है कि ए जो है वो डी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो आप भी बताओ कहीं भी हम इधर डी के लेफ्ट में लेंगे कभी भी मेरे हिसाब से मैच नहीं होगा क्योंकि दोनों का नंबर जो है वो इक्वल है, ए के लेफ्ट में और आपका डी के राइट में, आपका दोनों का नंबर ऑफ चेयर जो वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए और ये डी जो है वो आपका लेफ्ट से फिक्स है कि आपके 5वें प्लेस पे कंफर्म बैठा हुआ है, ये तो कभी भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये फिगर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे,
उसके बाद क्वेश्चन में आपका है यहाँ पे कि एफ एंड जी वे आर सीटेड एट द गैप ऑफ 4 सीट, मतलब आपका एफ और जी जो है वो 4 सीट के गैप पे बैठा है। तो हमको देखना क्या है यहाँ पे कि एफ यहाँ भी है और एफ आपका चर्चा भी किया इस स्टेटमेंट में, तो एफ और किसके बारे में, जी के बीच में आपका कितना लोग बैठे हैं, 4 लोग, तो 1 2 3 और यहाँ 4 लोग हो गए और यहाँ क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 लोग यहाँ बैठ गए। अब हमको देखना क्या है कि जी वहाँ फिक्स हो गया है, ठीक है, तो जी वहाँ फिक्स हो गया है। अब यहाँ मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन हमको दोबारा टच भी नहीं करना है, बस 1 अटेम्प्ट में क्वेश्चन मेरा बनना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, जी और डी के बीच में, ठीक है, ये हो गया। आप देखना यहाँ पे क्या कि जी यहाँ भी है कॉमन में, जी आपका यहाँ भी है कॉमन में मिल गया, तो जी और सी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, आपका 1 लोग होंगे, लेकिन 1 लोग गैप करके तो राइट में जाएंगे, यहाँ डी ऑलरेडी बैठा हुआ है तो कभी भी नहीं होगा, मतलब सी जब भी होगा आपका तो जी के लेफ्ट में ही होने वाला है, ठीक है। ऐसे भी सी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है, जी है सेकंड टू द लेफ्ट, अब जी आपका बैठा हुआ है सी, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, और आपका क्या है कि आपका यहाँ पे बी का कोई नेवर नहीं, बी का क्या हो जाएगा, कोई नेवर नहीं हो जाएगा, और ए और जी आपका इमीडिएट नेवर है। ए और बी के बीच में आपका कितने लोग हैं, ए और बी के बीच में आपका 3 लोग हैं, तो हम लोग देखेंगे क्या कि इमीडिएट नेवर या तो ए यहाँ हो सकता है या तो ए यहाँ हो सकता है, दोनों जगह में से एक ही जगह होगा। पहला बार अटेम्प्ट लेते हैं कि ए को हम लोग यहाँ बिठाते हैं, तो जैसे ही ए को यहाँ बिठाएंगे तो यहाँ पे ए और बी के बीच में कितने लोग, 3 लोग, 1 2 3, तो यहाँ बी बैठेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ बी बैठेगा तो बी का नेवर आपका सी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ए नहीं बैठने वाला है, तो फिक्स आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, और आपका ए और बी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी, तो बी का कोई इमीडिएट नेवर भी नहीं है, ए भी आपका बैठ चुका है, और जितने लोग ए के आपके लेफ्ट में है उतने लोग आपका डी के राइट में है, तो 1 2 3 4, यहाँ देखिए ए के लेफ्ट में 1 2 3 4 आपका डी के राइट में भी उतने लोग हैं, तो दोनों आपका सीट दोनों क्या हो रहा है, कन्फर्म हो रहा है। तो ये भी मेरा सेटिस्फाइड हो गया, ये भी मेरा सेटिस्फाइड हुआ, ये और बी के बीच में 3 लोग, ये भी सेटिस्फाइड हो गया, डी का कोई इमीडिएट नेवर नहीं, ये भी मेरा सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, और ए और जी आपका इमीडिएट नेबर है, ये मेरा फिगर क्या हो गया, सक्सेसफुल बन गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में आपका क्या लिखा है कि हाउ मेनी चेयर वेयर देयर इन ए रो, मतलब आपके रो में कितने चेयर हैं, ठीक है, तो काउंट कर लेंगे यहाँ पे, इसके इधर 4 4 8 9 10 11 12, ओनली क्या हो जाएंगे, 12 चेयर हो जाएंगे। मैंने काउंट किया यहाँ से, ए के लेफ्ट में 4, डी के राइट में 4, 4 4 8, ए आपका 9 और ये 10 और ये 2 बीच में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब आपका कौन सा है ए के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, कंफर्म, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी पर्सन वे आर सीट बिटवीन सी और एफ, देखो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है मेरे हिसाब से, एग्जाम्स में क्या करते हैं लोग कि सी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये पूछा है, कितने यहाँ पे सीट है ये नहीं पूछा है। अगर मेरे से हाउ मेनी सीट पूछता तो हम 1 2 3 4 5 6 कर देते, ठीक है, वैकेंट पूछता तो सिर्फ आपका 2 होता, अगर व्यक्ति पूछ रहा है कितने लोग बैठे हैं तो 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया हो, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो बोला क्या गया है कि ए पर्ल नेकलेस इन ए फॉर्म ऑफ ए सर्कल कंसिस्टिंग द 10 पर्ल्स वाज पुट ऑन द डिस्प्ले इन एन एग्जीबिशन, मतलब कहने का मतलब है कि 10 आपका मोती है ना, वो आपका क्या है, प्रदर्शनी में रखा गया है। ए पर्सन नोटिस दैट द पर्ल्स, ठीक है, वेयर ऑफ ए डिफरेंट कलर एंड डायमीटर, उसका क्या है कि कलर जो है आपका अलग अलग है और आपका क्या है डायमीटर भी उसका क्या है आपका अलग है। देखा फिर क्या क्वेश्चंस में कि दे वेयर ब्लू ब्लैक येलो है ना, ATC वगैरह नाम दिया गया, फिर आपका डायमीटर भी दिया गया 1 to 10 cm दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या गया कि नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपका जिस ऑर्डर में दिया गया है वही ऑर्डर में आपका अरेंज हो, ठीक है। उसके बाद लिखा है आपका कि द पर्ल विथ कंसेक्यूटिव डायमीटर वे आर नॉट प्लेस टुगेदर, मतलब आपका 2 जो होगा वो कंसेक्यूटिव जो भी आपका डायमीटर होगा, जैसे कि आपका 2-3 एक साथ नहीं बैठ सकता है, 4-5 एक साथ नहीं बैठ सकता, 5-6 एक साथ नहीं बैठ सकता है ना, वो आपका साथ में नहीं बैठेगा। चलिए अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग 2 तरीके से पहले क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमीटर अरेंज कर लेंगे,
पजल के हिसाब से, ठीक है, फिर इसको सर्कल पे बिठाएंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं कि टाइम बचाने के लिए अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, ठीक है, देखो एग्ज़ाम्स में क्या है कि हम लोग को टाइम काफ़ी ज़्यादा बचाना रहता है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर इसको बनाया जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि सर्कल लेंगे, सर्कल पे 10 लोगों को बिठाएंगे, बिठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको उसी पे अरेंज करेंगे, और जितना मेरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है सबको अलग अलग स्टार देकर लिख लेंगे, जो बाद में मेरा कॉमन टर्म मैच करने में ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ फिगर लेते हैं, फिगर लेते हैं, 10 लोगों को बिठाना है, और सबका फेस इनसाइड होगा। अगर क्वेश्चंस में फेस आपका नहीं बताया गया है, या फिर सिंगल लो वाला क्वेश्चन है, या फिर आपका सर्कल बेस्ड का क्वेश्चन है, तो सर्कल बेस्ड वाले क्वेश्चंस में हम लोग हमेशा इनसाइड मानकर बनाएंगे, और आपका सिंगल लो वाला क्वेश्चंस है उसमें हमेशा हम लोग हाँ मानकर बनाएंगे, नॉर्थ की ओर फेस मानकर बनाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया। लिखा गया क्या है, द ग्रीन पर्ल, ठीक है, वाज प्लेस्ड अपोजिट टू द पर्ल विद डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे कि जो ग्रीन कलर का जो पर्ल होगा वो क्या है कि 1 सेंटीमीटर वाले के ठीक अपोजिट में बैठा हुआ है, ठीक है, आपका अपोजिट में बैठा, तो कहीं भी बैठ सकता है, आपको भी पता नहीं, कन्फर्म नहीं, तो अभी तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए फिर क्या लिखा है कि सम ऑफ डायमीटर ऑफ द गोल्डन एंड येलो पर्ल बेयर वाज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ब्लू पर्ल। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे कि आपका गोल्डन एंड आपका येलो का जो सम होगा वो आपका किसके बराबर होगा, ब्लू वाले के बराबर होगा, ठीक है। मान लो गोल्डन वाले का 3 है, येलो वाले का 4 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, तो आपका ब्लू का डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर क्या लिखा है कि डायमीटर ऑफ द ब्लू पर्ल वाज ट्वाइस डायमीटर ऑफ द ब्लैक पर्ल। मतलब क्या लिखा है कि जितना भी आपका ब्लू का पर्ल होगा वो ब्लैक वाले के क्या होगा, 2 गुना होगा, ठीक है, 2 गुना होने वाला है, ठीक है। वैसे कि आपका मान लो यहाँ पे ब्लैक का आपका 4 रहेगा तो ब्लू का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ब्लैक का अगर 6, ये आपका 5 रहेगा तो आपका ब्लू का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्या कि हु वाज प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रेड पर्ल, ठीक है। मतलब जो आपका ब्लैक वाला है वो आपका क्या है कि रेड वाले के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो रेड वाले के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है कौन, ब्लैक वाला। एक हमको सर्कल बेस्ड टाइम इंफॉर्मेशन मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे कि सिल्वर पर्ल वेयर नेवरिंग द 7 सेंटीमीटर पर्ल एज वेल एज अ वाइट पर्ल। मतलब आपका सिल्वर वाला जो आपका दिया गया है कि सिल्वर कलर जो है आपका वो आपका 7 और वाइट कलर वाले का क्या है, नेवर है। इसी में क्लियर हो गया कि जब भी सिल्वर का जब भी डायमीटर होगा वो आपका 7 होने वाला नहीं, या फिर सिल्वर का 7 नहीं होगा, या फिर आपका वाइट का, दोनों में से किसी का आपका 7 डायमीटर होने वाला नहीं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि गोल्डन पर्ल वाज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लैक पर्ल, है ना, गोल्डन जो आपका पर्ल है वो आपका ब्लैक वाले के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द पर्पल पर्ल वाज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ येलो पर्ल। मतलब जो आपका पर्पल वाला पर्ल है ना, वो आपका येलो वाले के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है अभी फिलहाल, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डायमीटर ऑफ पर्पल पर्ल वाज द थ्राइस ऑफ द येलो पर्ल। मतलब आपका येलो वाले का क्या है, येलो वाले का थ्राइस है आपका कौन, डायमीटर ऑफ पर्पल। मतलब जितना आपका येलो वाले का होगा उतना आपका पर्पल का उससे 3 गुना होगा। जैसे अगर येलो वाले का 2 हो रहा है तो आपका पर्पल वाले का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। येलो वाले का अगर आपका 4 हो रहा है तो 12 तो है नहीं इसमें, या अगर येलो वाले का आपका 3 हो रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि येलो का या तो आपका डायमीटर 2 हो सकता है या फिर आपका 3 हो सकता है, क्योंकि काउंटिंग जो है आपका 1 to 10 तक डायमीटर सेंटीमीटर तक आपका दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इधर द ब्लैक और द पिंक पर्ल वाज द 1 सेंटीमीटर। मतलब या तो आपका ब्लैक
या तो आपका ब्लैक या फिर आपका जो पिंक वाला है उसका डायमीटर कितना होने वाला है आपका 1 सेंटीमीटर होने वाला है। ये भी कन्फर्म, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के ठीक सामने कौन बैठ रहा है, आपका ग्रीन वाला पर्ड बैठ रहा है। फिर क्या लिखा है कि सिल्वर पर्ड वाज नॉट बिसाइड द रेड और ब्लैक पर्ड, मतलब आपका सिल्वर वाला जो है वो इमीडिएट नेवर नहीं है किसका, रेड और ब्लैक का, मतलब रेड और ब्लैक का इमीडिएट नेवर कौन नहीं है मेरा यहाँ पे, सिल्वर वाला, तो ये हम लोग याद रख लेंगे। फिर लास्ट वाला लाइन क्या लिखा है कि द रेड पर्ड हैड अ डायमीटर है ना 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन ब्लैक पर्ड, मतलब आपका क्या लिखा है कि यहाँ रेड का जो डायमीटर होगा वो आपका 6 प्लस ब्लैक होगा, मतलब जितना आपका ब्लैक का होगा उसमें 6 प्लस कर देंगे तो उसमें मेरा क्या निकल जाएगा, रेड का डायमीटर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास इसमें हमको डायमीटर भी अरेंज करना है, ठीक है, और इसमें हमको क्या करना है आपका नाम भी अरेंज करना है ना, कलर का नाम भी अरेंज करना है। तो ऐसे प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि डायमीटर और नाम दोनों अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मेरा, कौन से स्टार में मेरा सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। तो मेरा इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा किस चीज़ में, देखो तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेरा रेड 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 लोग टोटल बैठे हैं जिसमें से आपका 6 का इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इस पूरे स्टार वाले में कहीं भी इन्फॉर्म नहीं किया गया 6 के बारे में, लेकिन आपका गोल्डन के बारे में यहाँ पे मेरा बताया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पहले इसको थोड़ा राउंड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लोग क्या है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या है आपका कि यहाँ पे पहले हम लोग रेड लेंगे, कहीं से भी ले सकते हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जहाँ से मन हो आप वहाँ से लेना, लेकिन फिगर सब चीज़ सारा जो आपका सोल्यूशन होगा सबका एक ही फिगर बनने वाला है, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है आपका, ठीक है। चलिए तो रेड आपका यहाँ लिए हैं और सबका फेस मेरा इनसाइड है, और रेड के 32 के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ आपका, ब्लैक वाला 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्लैक हो जाएगा। अब ब्लैक वाले के सेकंड टू द लेफ्ट में मेरा कौन बैठा हुआ, गोल्डन वाला, गोल्डन यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो अब हमको देखना क्या है यहाँ पे कि मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन था, कॉमन टर्म हम लोग मैच करेंगे, कॉमन टर्म जैसे ही मैच करेंगे तो यहाँ रेड ब्लैक और गोल्डन से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन टर्म मैच करेंगे। तो एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा, लिखा हुआ था क्या कि सिल्वर वाला जो है या तो आपका रेड या तो फिर आपका ब्लैक का इमीडिएट नेवर होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ भी आपका सिल्वर नहीं, और पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक आपका सिल्वर होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। सिल्वर आपका यही 2-3 जगह हो सकता है, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को 2 फिगर लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक तो हम सिल्वर यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, और हम दूसरा फिगर लेते हैं यहाँ पे, दूसरा फिगर लेते हैं, फिर से इसमें वही ले रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे क्या हो जाएगा गोल्डन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेड, और सिल्वर तो एक यहाँ ले ही चुके हैं, यहाँ आपका फिर से क्या हम कर रहे हैं, एक मिनट, ये यहाँ सिल्वर ले चुके हैं, तो हम यहाँ पे आपका क्या ले रहे हैं, सिल्वर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका दोनों जगह हम यहाँ पे सिल्वर ले लिए। अब क्या क्वेश्चंस में आपका बोला है कि सिल्वर जो है उसका इमीडिएट नंबर या तो आपका 7 और व्हाइट होने वाला, या तो फिर आपका 7 और व्हाइट होने वाला, मतलब आपका 7 और व्हाइट दोनों में क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ पे 7 या तो यहाँ पे 7 या तो यहाँ पे व्हाइट होगा, और इधर और में यहाँ तो क्या होने वाला है आपका व्हाइट होने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में फिर क्या लिखा है, यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं आपका 7 और व्हाइट कर सकते हैं, 7 7 व्हाइट कर सकते हैं। पहले हम लोग इस फिगर तो देखेंगे इसमें क्या किया गया है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन होगा इमीडिएट नेवर वाला, मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन क्या होगा इमीडिएट नेवर वाला, लिखा है क्या यहाँ पे, ये दोनों इमीडिएट नेवर है पर्पल और येलो, बिकॉज पर्पल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ येलो, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, भैया कन्फर्म है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे YELLO, और आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे पर्पल लिखने वाले, ये आपका अरेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका अरेंज हो गया पर्पल और आपका येलो अरेंज हो गया। उसके बाद क्वेश्चंस में है क्या, क्वेश्चंस में
अच्छा फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पे, फिर आपका रेड येलो पर्पल ब्लैक और गोल्डन व्हाइट आपका सिल्वर बैठ चुका है, ठीक है, यहाँ भी आपका बैठ चुका है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका सेम कंडीशन में यहाँ होगा येलो और ये आपका हो जाएगा पर्पल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास कुछ आपका ये इंफॉर्मेशन दिया गया था कि एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर करके दस तक, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस मेरा दिया गया था, ठीक है, दस मेरा दिया गया था कन्फर्म। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये जो आपका ग्रीन है और आपका वन सेंटीमीटर होने वाला है, ग्रीन और वन सेंटीमीटर वाला आपका क्या है, एकदम सामने बैठेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि या तो ब्लैक या तो आपका पिंक आपका क्या होने वाला है, वन सेंटीमीटर डायमीटर का होने वाला है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ऑलरेडी सिल्वर बैठ चुका, तो यहाँ कभी ग्रीन बैठ नहीं सकता कन्फर्म। यहाँ भी आपका क्या है कि यहाँ भी व्हाइट का पॉसिबिलिटी, यहाँ भी आपका व्हाइट का पॉसिबिलिटी है, और ये पिंक है नहीं जो आपका वन हो जाएगा, ये कन्फर्म है कि आपका पिंक क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है और ये आपका वन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ वन सेंटीमीटर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रीन, और जैसे ही यहाँ ग्रीन होगा तो यहाँ पे क्या फिक्स हो जाएगा व्हाइट फिक्स हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ व्हाइट फिक्स होगा यहाँ क्या फिक्स हो जाएगा आपका सेवन फिक्स हो जाए कन्फर्म। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके हिसाब से हम इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ वाइट यहाँ भी वाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी आपका पिंक नहीं हो सकता, यहाँ भी आपका पिंक नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पिंक लिखें वन सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ब्लैक भी तो वन हो सकता ना, तो यहाँ भी आपका क्या हो सकता है ग्रीन हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पहले वाले फिगर पे आते हैं, पहले वाला फिगर में क्या लिखा गया है कि अब देखेंगे ये तो आपका ये वाला अरेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है, गोल्डन येलो अरेंज हो गया, सॉरी गोल्डन येलो नहीं, गोल्डन प्लस येलो इज इक्वल टू ब्लू है यहाँ पे, ठीक है। पर्पल आपका येलो अरेंज हो गया, ये भी आपका अरेंज हो गया, आपका ये भी अरेंज हो गया, ठीक है, और आपका ये भी अरेंज हो ही गया है। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास हमको थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए वन तो यहाँ फिक्स हो गया, वन फिक्स हो गया, और आपका कितना फिक्स हो गया सेवन फिक्स हो गया, ठीक है, सेवन फिक्स हो गया। अब क्या है कि मेरे पास सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन क्या है नंबर के मामले में, तो रेड इज इक्वल टू सिक्स प्लस ब्लैक होना चाहिए, है ना, सिक्स प्लस क्या होना चाहिए ब्लैक होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे सिक्स का सिक्स यहाँ प्लस ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, सिक्स यहाँ क्या होना चाहिए ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सिक्स और ब्लैक का वैल्यू अगर यहाँ पे सात रखें तो छः और सात कितना हो जाता है यहाँ पे तेरह हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिर छः तो छः भी रखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा बारह हो जाएगा। यहाँ अगर पाँच रखेंगे फिर भी कितना हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लैक का वैल्यू अगर चार रखेंगे तब ये दस होता है, मतलब कंफर्म ये चार हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर हम थ्री रखें इसमें तो इसमें नाइन, ये नाइन भी हो सकता है। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा कि जब ये यहाँ पे थ्री रहेगा तो यहाँ से तो ये थ्री चला जाएगा और ये नाइन भी चला जाएगा कन्फर्म जाएगा, ठीक है। तो ये थ्री और नाइन चला जाएगा। तो फिर क्वेश्चन में एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा था क्या कि पर्पल जो है वो येलो का तीन गुना है, तो ये येलो का जब ये तीन गुना होगा तो फिर थ्री थ्री जा नाइन भी चला जाएगा, और जब ये जाएगा तो कन्फर्म सिक्स भी जाएगा। सिक्स इसलिए जाएगा क्योंकि ये गोल्डन येलो और ब्लू अरेंज नहीं हो जाएगा, और फिर ये ब्लैक ब्लू अरेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि थ्री टू जा सिक्स ब्लू का वैल्यू कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। तो मेरा थ्री ये सिक्स भी चला जाएगा, नाइन भी थ्री भी, तो फिर ये वाला तो मेरा अरेंजमेंट गलत हो जाएगा ना, थ्री येलो इज इक्वल टू पर्पल है ना, तो वो वाला मेरा अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होने वाला, थ्री नहीं होने वाला है, ठीक है, थ्री आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या मेरा सिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो सॉरी सिक्स प्लस ब्लैक का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे फोर हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा टेन। तो जैसे ही हम ब्लैक का वैल्यू यहाँ पे फोर रखेंगे तो फोर रखेंगे तो रेड का वैल्यू क्या है कि सिक्स प्लस ब्लैक, मतलब ये कन्फर्म टेन हो रहा है, ठीक है। जब ये टेन हो रहा है तो यहाँ जब ये टेन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रेड ब्लैक हमको पता चल गया है, ग्रीन पता चल गया। तो हम लोग इससे कॉमन टर्म ढूंढेंगे यहाँ पे रेड और ब्लैक से। तो हम लोग यहाँ पे देखते क्या है, और एक जगह हम कुछ लिखे थे कि
यहाँ जो आपका ब्लैक है ये ब्लू जो है आपका ब्लैक का दोगुना है, मतलब आपका ब्लैक का वैल्यू अगर 4 होगा तो ब्लू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कन्फर्म यहाँ 4 है तो ये ब्लू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आकर में ब्लू नहीं है और सिर्फ एक ही प्लेस आपका खाली है, तो यहाँ आपका क्या अरेंज होने वाला है, ब्लू। तो ब्लू का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका 8 यहाँ फिक्स हो जाएगा ब्लू, तो अब हमको देखना क्या है कि इसमें कौन कौन सा नंबर अरेंज हो चुका है। 4 भी अरेंज हो चुका भाई साहब, ठीक है, 10 भी अरेंज हो चुका है आपका, 8 भी अरेंज हो चुका है और 7। मेरे पास ओनली बचा हुआ है 2, 3, 5, 6 और 9, ठीक है। अब क्या सेकंड वाले में यहाँ पे है, पहले ये भी अरेंज हो गया, इसको हम काट दे रहे हैं, ठीक है, ये अरेंज हो गया। चलिए अब आपका बचा क्या कि गोल्डन प्लस येलो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ब्लू, मतलब 8 आना चाहिए आपका गोल्डन का वैल्यू और आपका येलो का वैल्यू जोड़ के। तो ऐसा क्या वैल्यू यहाँ डालेंगे जो 8 आएगा, 2, 3, 5 आ रहा है, 5, 2, 7 आ रहा है आपका, 9, 3 आउट ऑफ 10 जा रहा है आपका, फिर आपका 9, 2, 11 आउट ऑफ 10 जा रहा है। मेरे पास ओनली 1 वैल्यू मेरे पास बचा है, 5 और 3 का मेरे पास क्या वैल्यू बचा हुआ है। तो 5 और 3 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 5 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये 8 हो जाएगा, कंफर्म। तो ये ब्लू वाला आपका 8 हो गया। अब आप बोलिएगा सर कि 3 गोल्डन क्यों नहीं होगा, 3 गोल्डन इसलिए नहीं होगा क्योंकि येलो होने वाला, अगर ये अगर 3 गोल्डन हो जाएगा तो फिर 5, 3, 15 हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए येलो का वैल्यू 3 होगा और जैसे ही 3 होगा तो पर्पल क्या हो जाएगा, 9, तो आपका पर्पल भी 9 हो जाएगा कंफर्म, और आपका येलो भी 3 हो जाएगा, गोल्डन भी आपका क्या हो जाएगा, 5। मतलब एक चीज़ से सारे चीज़ का निशाना पूरा हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका अब क्या है कि आपका देखना है आपका कि मेरे पास कौन कौन सा बचा हो, तो भैया 9 भी खत्म हो गया यहाँ से मैटर इसका, ठीक है। अब बचा आपके ये 3 भी खत्म हो गया, आपके पास 5 भी खत्म, बचा आपका ओनली 2 और 6। हम थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट में क्या कर रहे थे भाई साहब कि यहाँ पे 2 और 6 जो है वो आपका मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर जो है आपका वो एक साथ नहीं बैठने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ 7 है तो यहाँ 6 तो भैया कभी नहीं बैठे कन्फर्म, तो 6 कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। अब 6 जैसे ही यहाँ बैठ गया तो बचा आपके पास क्या, 2 बचा। ये मेरे हिसाब से ये फिगर सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इस फिगर पे आते हैं यहाँ पे हम लोग, अब इस फिगर पे देखेंगे ये कहाँ सेटिस्फाइड मेरा नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, ये आपका ग्रीन है और ये वाइट ग्रीन दोनों जगह पॉसिबिलिटी है मेरा, दोनों जगह वाइट का भी मेरा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ब्लैक को वहाँ हम लोग कितना लिए थे, 4, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे 4 लेते हैं, बिकॉज पिंक आपका 1 हो रहा है, 1 के ठीक सामने आपका ग्रीन बैठ रहा है, तो 1 के ठीक सामने जैसे ही यहाँ पे ग्रीन बैठेगा इसका मतलब ये कन्फर्म है आपका कि ग्रीन यहाँ नहीं होने वाला, और जब ग्रीन यहाँ नहीं होगा तो यहाँ वाइट या तो फिर यहाँ वाइट होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 लेंगे तो रेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और जैसे ही इसका 10 हो जाएगा तो फिर आपका बचा क्या, ब्लू आपका बचा है, तो ब्लू वाला का जो वैल्यू होगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो 8 होगा ये कन्फर्म, या तो 8 यहाँ बैठ सकता है या तो 8 यहाँ बैठ सकता है, दोनों जगह से मेरा कन्फर्म नहीं है। यहाँ भी हम ब्लू लिखेंगे, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी क्या लिखने वाले हैं, ब्लू लिखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा आपके बाद उसके बाद मेरा क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ आपका हो रहा था कितना, येलो का 3 हो रहा था और इसका कितना हो रहा था, 9 हो रहा था, ठीक है। तो टोटल अरेंज और इसका आपका 5 हो रहा था अकॉर्डिंग टू ये आपका स्टेटमेंट के हिसाब से आपका 5 हो रहा था, ठीक है। और ग्रीन वाला आपका क्या है, 7 and 7, 8 करके पॉसिबिलिटी है आपका इसमें। तो आपका फिर क्या बच रहा है, ब्लैक का आपका कितना हो रहा है, 4, पिंक आपका 1 हो गया, ठीक है। तो आपका 1 बच रहा है आपका, 2 और आपका 6, ठीक है। अगर हम यहाँ 6 अरेंज करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ 6 अरेंज करेंगे तो यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा, और जैसे ही यहाँ 8 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ ब्लू होगा तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा आपका, वाइट, और वाइट जैसे ही होगा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। और फिर आपका बीच में बचा क्या, 2। तो देखो इसमें कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर एक साथ आ रहा है क्या, चलिए देखिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा कन्फर्म, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखा गया था कि सिल्वर का इमीडिएट नंबर एक तो आपका 7 हो रहा है, एक तो आपका वाइट हो रहा है। तो कभी भी वाइट ना तो 7 का उसका डायमीटर होने वाला, नहीं आपका सिल्वर का कभी भी आपका 7 डायमीटर नहीं होने वाला है, इसलिए ये वाला फिगर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले में मेरे से मिस्टेक हुआ था, छूट गया था क्या यहाँ पे कि 5 और 3 का कॉम्बिनेशन मेरा 8 हो रहा है, ठीक है। तो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन मेरा 8 हो रहा है, तो ये ब्लू का क्या आ रहा है,
8 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि गोल्डन और येलो को जोड़ के मेरा 8 आना चाहिए ब्लू वाला, तो ब्लू का मेरा 8 पहले से पता था, क्योंकि ब्लैक का आपका 4 था और ब्लैक का दोगुना कौन था, ब्लू था, तो 4 टू 8 यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। ये आपका 5 था और ये आपका 3 था, लेकिन 6 और 2 का भी कंपेयर बन रहा है, जिसमें आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसमें आपका 6 और 2 इज इक्वल टू मेरा 8 हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि येलो का 2 रखेंगे और गोल्डन का जैसे हम लोग 6 रखेंगे, तो ये होगा क्या कि गोल्डन 2 तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ फिर क्या कि गोल्डन का यहाँ भी तो भैया 2 रखना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको 2 लिखेंगे तो फिर से ये 6 आएगा, तो मेरे पास एक ये 6 और एक ये 6, तो कैसे अरेंज करेंगे, तो इसलिए 2 6 हो जाएगा, इसलिए मेरा 6 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा नहीं होगा, और ये मेरा 5 और 3 का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ऊपर वाला फिगर। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, विच पर्ल इज अपोजिट टू द पर्ल दैट हैज डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर वाले के ठीक अपोजिट में कौन सा आपका पर्ल है, मतलब आपका सिल्वर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा वाला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्ल आर नेबरिंग द पिंक पर्ल, मतलब आपका पिंक वाले का इमीडिएट नेबर कौन है, तो पिंक वाले का भैया इमीडिएट नेबर ब्लैक और गोल्डन है, ठीक है, ब्लैक और गोल्डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पर्पल पर्ल विद रेस्पेक्ट टू द पर्ल विद डायमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब आपका ये जो आपका लिखा है पर्पल जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर वाले से के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी पे है, तो 5 सेंटीमीटर वाले से पर्पल, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे और यहाँ पे पर्पल, तो पहला तो 1 2 3 था टू द राइट, और लेफ्ट में भी काउंट कर सकते हैं अगर ऐसा ऑप्शंस में है आपका दिया गया, तो ठीक है, तो था टू द राइट आपका ऑप्शंस में है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए सर्टेन मैनर पिंक इज रिलेटेड टू सिल्वर एंड सिल्वर इज रिलेटेड टू ब्लैक, देन टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्डन टू रिलेटेड। अब देखो क्या है, यहाँ पे आपका बोल रहा है क्या कि पिंक जो है सिल्वर से रिलेटेड है, पिंक जो है आपका सिल्वर से रिलेटेड है। अब देखो पिंक सिल्वर के बीच में 3 लोग इधर से आपका कितना 6 लोग, 1 2 3 5 लोग हो जाएंगे, एक तरफ से 3 लोग और एक तरफ से आपका 5 लोग हो जाएंगे। फिर क्या लिखा है कि आपका सिल्वर और ब्लैक का भी वही रिलेशन है, तो फिर कैसे होगा, तो फिर हम लोग देखते हैं इसके डायमीटर से हम लोग इसको पकड़ेंगे कि 1 2 का डिफरेंस, 2 4 का डिफरेंस, तो फिर नेक्स्ट वाले में पूछ रहा है गोल्डन रिलेटेड टू, ठीक है, तो रिलेटेड टू ब्लैक, पिंक इज रिलेटेड टू सिल्वर बोला ना, पिंक इज रिलेटेड टू सिल्वर और सिल्वर इज रिलेटेड टू ब्लैक, मतलब 2 2 4। तो फिर क्वेश्चन में बोला क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्डन इज रिलेटेड टू, गोल्डन का आपका डायमीटर 5 है, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 पे है कौन ये हमको देखना है, तो 10 पे आपका कौन है, रीड, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टू द ब्लू पर्ल, ठीक है, तो आपका ब्लू पर्ल के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा हुआ, तो ब्लू आपका है का, तो ब्लू आपका यहाँ है, ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा लेफ्ट, तो सेकंड टू द लेफ्ट पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर। इस तरह से इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों की, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अपना ये जो भी एफर्ट है वो लगाते रहेंगे, नया नया क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम्स के रेलेवेंट जो भी आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, वो आपके सामने लाया जाएगा, आपको डिस्कशन वाला वीडियो दिया जाएगा, ठीक है, आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस भी। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस आपका कुछ इस प्रकार से, इसको डिलीट कर देते हैं पहले। क्वेश्चन ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, कि यहाँ लिखा गया है कि 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन आपका दिया गया है, अजय एंड अतुल स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम देयर हाउसेज, मतलब आपका एक रेलवे स्टेशन पे 2 लोग पहुँच रहे हैं, पहला अजय दूसरा आपका अतुल है, ठीक है, अपने अपने घर से। पहला क्या है कि अतुल स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, अजय ये अतुल जो है आपका वो आपका क्या करता है कि घर से आपका निकलता है नॉर्थ की ओर, ये पहला आपका कौन निकल रहा है, अतुल निकल रहा है। फिर वहाँ से वो क्या करता है, यहाँ वहाँ से आफ्टर 4 किलोमीटर ही टर्न्स राइट, मतलब वो 4 मीटर या 4 किलोमीटर कुछ भी लिखो बात दोनों बराबर है, वो क्या करता है वहाँ से राइट टर्न लेता है, ठीक है। अब जब राइट टर्न लेता है तो कितना चलता है, 9 किलोमीटर, मतलब कन्फर्म है भैया कि यहाँ 4 से 9 जो है वो बड़ा ही होगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि टू रीच हॉस्पिटल, और वहाँ से वो क्या करता है हॉस्पिटल पहुँच जाता है, घर से निकला और पहुंच गया कहाँ, हॉस्पिटल, एक्सीडेंट हुआ था सर,
उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या है कि दे ही टर्न 90 डिग्री एंड वॉक अनदर 4 किलोमीटर। उसके बाद फिर क्या है, वो 90 डिग्री टर्न लेता है, कितना 90 डिग्री वो टर्न लेता है और वो क्या करता है 4 किलोमीटर और चलता। तो 90 डिग्री किस डायरेक्शन में टर्न लेगा ये तो हमको पता नहीं, हो सकता है ये नॉर्थ में टर्न ले या फिर आपका साउथ में टर्न ले, लेकिन 90 डिग्री टर्न लेता है। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है कि अजय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। अजय जो है वो अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, अजय जो है वो अपने घर से चलना स्टार्ट करता है और वो क्या करता है वहाँ पे वो जो है वेस्ट की ओर आपका 3 किलोमीटर चलता है। आपका वेस्ट की ओर क्या चलता है 3 किलोमीटर चलता है। तो वेस्ट की ओर आपका 3 किलोमीटर चला, मतलब 3 मीटर कुछ भी देखो बात बराबर है। ठीक है, वेस्ट की ओर आपका 3 मीटर चलता है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक फ्रॉम अनदर 8 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न करता है, मतलब लेफ्ट यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज में हो जाएगा और वहाँ ये क्या चलेगा 8 मीटर चलेगा और वो कहाँ पहुँच जाता है, स्कूल पहुंच जाता है। ठीक है, फाइनली फ्रॉम स्कूल ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर टू रीच रेलवे स्टेशन। ये क्या है, यहाँ से राइट टर्न लेता है और 3 मीटर जो है आपका वो रेलवे स्टेशन आरएस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन आपका यहाँ से पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मेरा पॉसिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पे, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज व्हाट कैन बी शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन अतुल हाउस एंड अजय हाउस। बोल रहा है क्या कि अतुल और अजय के हाउस में सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग फिगर बनाएंगे, मेरे से तो शायद 2 फिगर बनेगा इसमें। पहला फिगर हम लोग क्या करते हैं, तो पहला फिगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ये रहा आपका अजय, ये रहा उसका स्कूल, ये रहा रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो अब क्या मेरे से पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में, तो अब मेरे से पूछ रहा है क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास ये पहला वाला फिगर, मेरा पहला पॉसिबिलिटी वाला फिगर है। ठीक है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस मेरे से पूछ रहा है, तो हम एक और फिगर बना लेते हैं, दोनों से क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। तो दूसरा फिगर है आपका, या तो यहाँ से क्या किया 4 मीटर चला, यहाँ से फिर राइट टर्न लिया 9 मीटर चला, फिर यहाँ से क्या करता है फिर ये 90 डिग्री जाता है 4 मीटर चला और उसके बाद ये क्या, ये हॉस्पिटल था इसका। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब क्या है, यहाँ से जैसे ही स्टार्ट करेगा ये, यहाँ से ये स्टार्ट करेगा तो यहाँ से ये 3 मीटर आएगा, बिकॉज ये इसका रेलवे स्टेशन है, इसका अजय का, ये अतुल है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये स्टार्ट करेगा, ये चलेगा 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर जैसे ही चलेगा उसके बाद फिर ये ऊपर की ओर चलेगा यहाँ पे नॉर्थ की ओर 8 मीटर और ये चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, ईस्ट से वेस्ट की ओर चलना स्टार्ट किया था, ये आपका अजय था। ठीक है, ये आपका 3 मीटर दिख रहा हूँ वैसे। ठीक है, चलिए वो 3 मीटर था आपका, 3 मीटर था। ठीक है, ये 3 मीटर यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट लेके आपका रेलवे स्टेशन पहुँच गया। चलिए, तो अब उसके बाद क्या है, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखा क्या क्वेश्चन में कि अजय का हाउस, ये डिफरेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है अजय और, तो हम लोग यहाँ से करते हैं क्या है, दोनों का बराबर क्योंकि 4 यहाँ पर लिखा गया है, ये आपका अतुल है और यही डिस्टेंस मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, और जब मेरे से ये डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेस मानेंगे। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये 8 है आपका। ठीक है, तो ये जैसे ही आपका 8 हो जाएगा, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 9 और 3, ये 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और आपका दूसरा क्या हो जाएगा, ये 4 है, सॉरी 12, 3 और 3, ये 15 मीटर हो जाएगा, ये 15 मीटर हो जाएगा और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है तो ये आपका 4 मीटर हो जाएगा, ये 4 मीटर, ये 4 यहाँ पे मीटर, आपका 4 यहाँ, टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो हम इसका डिफरेंस क्या निकालेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ सी लिखेंगे। हमको डिफरेंस चाहिए ए और सी का। ए सी बराबर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर होगा 225 होगा और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ना, 8 64 मतलब 64 हो जाएगा। जोड़िए इसमें कितना था, 5 4 9 6 2 8 8 हो जाएगा आपका और ये आपका क्या हो जाएगा 289। ठीक है, तो ये 289 रूट अंडर हो जाएगा आपका, 289 इज इक्वल टू 17 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 17 हो गया। लेकिन उसके बाद हम अगर इसका अगर डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो हमको ये कूड़ा लेना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये हमको लेना पड़ेगा, तो ये 4 जोड़ेंगे, 4 कितना जोड़ेंगे, ये 4 और ये आपका 8 है ना, ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 12 4 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 16 मीटर हो जाएगा, तो ऊपर वाले में 3 हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ए बी सी करेंगे कन्फर्म, ये देखने से ही लग रहा है यहाँ पे कि आपका ये आपका 16 आपका जो भी परपेंडिकुलर बेस है और ये भी आपका ये कितना 15 हो रहा है, दोनों का रूट थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो शॉर्ट डिस्टेंस दोनों में से कम किसका हो रहा है, मेरा ये वाला फिगर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे बनाएंगे, क्वेश्चन लिखा गया क्या है कि इन विच डायरेक्शन इज रेलवे स्टेशन फ्रॉम अतुल्स हाउस, लिखा है क्या अतुल के हाउस से रेलवे स्टेशन जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो अतुल के हाउस से जहाँ से पूछे ग्राफ वहीं से खींचेंगे हम लोग, उसको ओरिजिन मानकर उसको केंद्र मानकर नॉर्थ साउथ, और आपका क्या हो जाएगा अतुल के घर से रेलवे स्टेशन जो है आपका ईस्ट में है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अजय हाउस फ्रॉम रेलवे स्टेशन, है ना, आपका लिखा है क्या कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अजय हाउस फ्रॉम रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन से अजय के हाउस का डायरेक्शन क्या है, रेलवे स्टेशन से बोला है तो जहाँ से या जहाँ फ्रॉम लगाए उसको ओरिजिन मानकर ग्राफ वहाँ से ढूंढेंगे बनाएंगे हम लोग, और जहाँ तक जाना है तो डायरेक्शन ये नॉर्थ होगा ये ईस्ट होगा, तो आपका उसका घर जो है तो आपका नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, लिखा है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, चलिए ये आपका इसको डिलीट किया जाए, क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है यहाँ पे कि आप इसको पढ़िए, और इसमें आपका लिखा गया यूजिंग द फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एंड एट एंड नाइन्थ लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब आपका कुछ एक वर्ड दिया गया उसमें आपका पहला दूसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां और नौवां जो लेटर है वर्ड का उसको अलग निकाल लेना है। उसके बाद देखना क्या है कि व्हाट विल बी द मिडिल लेटर इन द न्यूली फॉर्म्ड फ्रेम्ड वर्ड, इफ क्या आपका उस निकाले हुए लेटर से कोई नया वर्ड फॉर्म हो रहा है, अगर आपका इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्म, अगर आपका एक से ज़्यादा वर्ड फॉर्म हो रहा है तो उसका आंसर होगा एक्स, अगर ऐसा कोई वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, सबसे बड़ा बात है कि इसको हम लोग पहले लिखते हैं क्या है यहाँ पे, ए डबल सी ओ आर डी आई एन जी एल और वाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11। ठीक है, नंबरिंग भी कर दिए, ज़्यादा आसान होगा मेरे हिसाब से। चलिए, तो कौन कौन सा वर्ड वाला पहला बोल रहा है, मतलब ए को बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है सी, ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ, चौथा क्या बोल रहा है आपका ओ बोल रहा है, पाँचवा क्या बोल रहा है आर, ठीक है, सातवा क्या बोल रहा है यहाँ पे, सातवा आई बोल रहा है, ठीक है, आठवां आपका बोल रहा है एन और आपका नाइन्थ लेटर बोल रहा है ये। ठीक है, तो आपका ये ऐसा एक आपका वर्ड निकला, टोटल लेटर को अगर वहां से फाइंड आउट किए तो आपका ऐसा एक वर्ड निकल रहा है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एग्जाम्स में सारा क्वेश्चंस बनाना बहादुरी नहीं, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के आना भी बहादुरी है। तो ऐसा क्वेश्चंस क्या है, ऐसा क्वेश्चन छोड़ने में भलाई है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका सही में से 0.25 नंबर कट जाए उससे अच्छा है कि एक नंबर नहीं है, क्योंकि आपका मेहनत का कमाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपका मेहनत का कमाया हुआ और ऐसा वर्ड देता है जैसा यहाँ पे क्वेश्चन से, जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपका वहाँ पे, अगर पॉसिबल हो तो बनाइए, ठीक है, अगर पॉसिबल ना हो तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन से मेंड कर लेते हैं, इसमें इसका ऐसा कौन सा वर्ड बनेगा, तो खुद सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई वर्ड है तो क्या बनेगा, तो ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बनेगा। देखो तो मैच हो रहा है सारा इसका, ये यहाँ पे जी सी यहाँ पे लास्ट में सारा मैच हो रहा है, तो एक ही आपका ऐसा वर्ड बन रहा है। ठीक है, ये सारे लेटर से आपका यहाँ पे, तो ये ऑर्गेनिक आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आपका दिया गया है
एक ही आपका इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्म, ठीक है। हाँ, उसका लिखा कि व्हाट विल द मिडिल लेटर ऑफ न्यू फ्रेम वर्ड, मतलब अगर आपका ऐसा कोई वर्ड बन रहा है तो उसका ठीक मिडिल का लेटर क्या होगा। तीन इधर मतलब मिडिल का लेटर हो जाएगा ए, अगर इससे एक से ज़्यादा बन रहा है तो आंसर एक्स हो जाएगा। तो मेरे पास तो एक ही बन रहा है भैया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अब देखो क्या कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, मान लो यहाँ पे आर ई ए करके दिया रहा है, बोले इससे कितने ज़्यादा वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कितने सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो पहले क्या बोलोगे, एरा बनाएंगे सर, दूसरा क्या बनाओगे आर बनाएंगे, तीसरा क्या बनाओगे टीयर बनाएंगे, ठीक है, मामला यहीं पे समाप्त, ठीक है। ऐसा क्या है ये, मतलब इसके आगे हमको आता नहीं है या ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, हो सकता है इसका भी कुछ ना कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो लगे कि मेरे कॉन्फिडेंशियल है, तो आप 70% हैं तब ऐसा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नहीं तो ये अपना खुद का मार्क्स मत गवाइए ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।